मुंबई में आतंकी याकूब मेमन की कब्र को मजार में तब्दील करने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं, साथ ही राहुल गांधी और शरद पवार से भी इसका जवाब मांगा है। बीजेपी का आरोप है कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए मुंबई में आतंकी याकूब मेमन की कब्र को मार्बल और LED लाइट से सजाकर मजार में तब्दील कर दिया गया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मुंबई पुलिस ने कब्र से लाइट हटा दी है। बीजेपी नेता राम कदम ने इस मुद्दे को उठाते हुए उद्धव ठाकरे के साथ भी तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार में हिस्सेदार रही NCP और कांग्रेस से भी जवाब मांगा है। 1993 के मुंबई बम धमाकों में टाडा की विशेष अदालत ने याकूब मेमन को दोषी ठहराया था। याकूब मेमन उन धमाकों के मुख्य साजिशकर्ता टाइगर मेमन का भाई था। याकूब मेमन को 2007 में टाटा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद 30 जुलाई 2015 को आतंकी याकूब को फांसी पर लटका दिया गया था, जिसके बाद याकूब के शव को मुंबई में मौजूद बड़े कब्रिस्तान में दफना दिया गया। बीजेपी का आरोप है कि जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब इस कब्र की सजावट की गई, आसपास टाइल्स लगाई गई और कब्र को LED लाइट से सजाया गया। बीजेपी विधायक ने कहा कि पाकिस्तान के सारे पर काम करने वाला खूंखार आतंकवादी याकूब मेमन, जिसने 1993 में मुंबई में बम कांड करके हजारों लोगों की जान ले ली, क्या ऐसे आतंकवादी की कब्र पर मजार बन सकती है? राम कदर ने कहा, जब उद्धव ठाकरे CM थे उनके साथ राहुल गांधी और शरद पवार का दल सत्ता साझा कर रहा था, उनकी अगुवाई में ये कब्र मजार बन गई। उस पर मार्बल व चारों ओर LED लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान व मुंबई में बस कांड कराए याकूब मेमन उसका आरोपी है। उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तब ठाकरे खामोश क्यों थे? उनकी खामोशी के पीछे क्या राज था? ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।